क्वारंटाइन भी किया गया है। अब उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। सेक्टर 8 की झुग्गी में 200 लोग संदिग्ध पाए गए हैं और उसके बाद इन सभी 200 लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। सेक्टर 8 में कोरोना का कोई केस नहीं, डीएम ये कहते हैं एहतियातन, लेकिन फिलहाल अभी सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सेक्टर 8 में तकरीबन 100 से 150 लोग क्वारंटाइन करने के लिए अपनी गाड़ियों में जो है उनको रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें और पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई थी। क्वारंटाइन करा जा रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से दिख नहीं रही है। हम भी बहुत दूर हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। झारखंड का एक जो है युवक था जो पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ पर वो रह रहा था, वो 10 से 15 परिवारों के संपर्क में आया था, उसके बाद से ये क्वारंटाइन की कराने की जो चीज़ें हैं वो शुरू करी गई हैं। बहुत बड़ी चूक है, जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। क्वारंटाइन कराने के लिए लोगों को लिया ले ज़रूर जाया जा रहा है। आखिर किस तरीके से, अगर क्वारंटाइन भी करा लेंगे तो आखिर किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अज़ीज़, भारत समाचार, नोएडा। सेक्टर 8 में नोएडा के लोगों को देखिए अब क्वारंटाइन तो किया गया।